कितने लोग मारना चाहते हैं ये? एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें नहीं है क्या? डीसी मैम ऊपर से आसमान से जाते हैं सर, सैनिक के खिलाफ FIR लगाओ। सर कितने साल हो गए इनको? सुन लो ना यार, पहले बात तो सुन लो, फिर आप भी सुना लो, मैं रहने देता हूँ। नहीं सर, जब तक वो आईसी नहीं आएगा हम नहीं खोलेंगे। कंस्पिरेसी एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर वो ग्रीफ को नहीं पूछते तो उनकी जरूर मिली वक्त होगी, उनके साथ कमीशन लेते होंगे इनसे। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, ये मर्डर है, ये मर्डर है सर, मर्डर है। सीएम मौर्या सी, सीएम मौर्या सी, सीएम मौर्या सी। टीवी के फुटे चाहिए हमने, चार एम्बुलेंस वहाँ बाहर थी, चार एम्बुलेंस नहीं आई। ग्रेफ डिपार्टमेंट, एम्बुलेंस जहाँ से इधर नहीं आ सकती थी, अगर वहाँ से गाड़ियाँ आके जहाँ से एम्बुलेंस इधर आने में कितना टाइम लगता है? सीएम और रियासी, सीएम और रियासी, सीएम और रियासी, ग्रेफ डिपार्टमेंट, ग्रेफ डिपार्टमेंट। सारी की सारी गलती ग्रिफ डिपार्टमेंट की है, शर्म है, इन्होंने लाख का बड़ा गर्क कर दिया सलाल का, इतना डेंजरस डेथ पॉइंट बना के रखा है। माता की जय, ग्रिफ डिपार्टमेंट। आज मेरे भाई की डेथ हुई, कल आपकी भी होगी, आपके भाइयों की डेथ होगी। आज नहीं बोलोगे कब बोलना है? आपकी लीडरी हमने क्या करनी है? 22 साल का लड़का था वो, आप सब जैसा था, हद हो गई है। हम पुलिस और SDRF टीम का बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपनी जान पे खेल के निकाला। ग्रिफ के ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर ये 2 किलोमीटर रोड बनाते हैं, बीच में 1 किलोमीटर छोड़ देते हैं, आगे चले जाते हैं, इस रोड को कंप्लीट करना इनका काम है, क्यों जो रोड को छोड़ देते हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि सेंटर में लेटर लिखिए और इनको ब्लैक लिस्ट कीजिए रियासी डिस्ट्रिक्ट से। इनको ये पता होना चाहिए कि आप पूरी उम्र लगा लेंगे, इतना रोड बनाते तक, ग्राम मोड़ से दरमाड़ी तक, मोहर तक रोड बनाने में पूरी जिंदगी निकाल लोगे। तो ये कंपनी है, देखो आजकल कंपनियां आई तो 4-5 साल की कंपनियां इतने इतने बड़े बड़े हाईएस्ट ब्रिज बना के चले जा रही हैं। सीएम और रियासी, हाय हाय, सीएम और रियासी, हाय हाय, सीएम और रियासी, हाय हाय, ग्रेफ डिपार्टमेंट, हाय हाय, ग्रेफ डिपार्टमेंट, हाय हाय, ग्रेफ डिपार्टमेंट, हाय हाय, सीएम और रियासी, हाय हाय, सीएम और रियासी, हाय हाय। पुलिस सर्विसेज के टेम्पोज हैं, उसमें मेरे भाई की बॉडी गई है। मैं बॉडी नहीं कहूंगा, मेरा भाई था, वो मेरा भाई गया उसमें। अगर कल को मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो इस यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग सोया रहेगा, क्योंकि अभी तक एक भी एम्बुलेंस नहीं आई, एक भी जो फर्स्ट एड किट वाला या कोई मेडिकल असिस्टेंट होते हैं जो, वो कोई भी लोग यहाँ पे नहीं आए। क्यों नहीं आए? अगर आप ऐसे कैसे गैस कर सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ और ऑन स्पॉट डेथ हो गई? ये मर्डर है सर, ये किसको नहीं दिखता कि जहाँ से बंदा गिर के मर सकता है, ये गिर के मर सकता है ना सर, कोई भी, आज मेरा भाई मरा, किसी का भी मर सकता है। आज एक परिवार का लाल हमसे बिछड़ गया है, नौजवान लाल हमारे से हमसे बिछड़ गया है, बहुत दुखी बात है। सीधी FIR लगनी चाहिए OIC ग्रिफ डिपार्टमेंट पर, क्योंकि ये उसकी नेगलिजेंसी से आज जो लाल गया है, ये FIR लगनी चाहिए। और जब तक यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आता नहीं है, हमसे बात नहीं होती और एक पुख्ता सबूत या फिर एक अश्योर नहीं करता हमें कि कल से यहाँ पे ग्रिफ डिपार्टमेंट का काम शुरू होगा। और ये जो एक, मैं तो बताऊँ, ये खूनी नाला बन चुका है यहाँ पे, दिन दहाड़े यहाँ पे स्टोन फॉल होते रहते हैं, शूटिंग स्टोन होती रहती हैं। कई बार हमने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है। सर इतना भी गलत, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हम कुछ कर नहीं रहे सर, मैं कोई गलत बिना हमने कंधा मेडिकल सर बता सकते हैं ना सर, इतना भी मेरा हक नहीं है क्या? सर टेक्निकल इशू है। पूरा रोड उन्हें कटोड़े आज इतने टेक्निकल इशू है।
अगर आप बीच में पूछते हो कितने साल हो गए इनको, सुन लो ना यार पहले बात तो सुन लो फिर आप ही सुना लो, मैं रहने देता हूँ। नहीं सर, जब तक वो ऐसी नहीं आएगा हम नहीं खोलेंगे। सेफ्टी है क्या? सेफ्टी मेजर लिए इन्होंने बाहर से कुछ बैरिकेड्स लगाए? कम से कम इसको प्लेन कर देते खड़ी, ऊपर से इतने रोड स्केटिंग तो होनी थी ना सर। हद है सर, एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैम के जहाँ कितना 15 मिनट लगते, हम चिलात से जहाँ आ गए सर, हम चिलात से जहाँ पहुँच गए गाड़ी लेके टेम्पो लेके, और वो जहाँ नहीं पहुँचे। और एम्बुलेंस भी ये किस लिए एम्बुलेंस रखी है सर? अगर इंसान के लिए नहीं रखी किसके लिए? खुदा ना खास्ता कोई वो दूसरा लड़का पड़ा था, हमने पर्सनल गाड़ी में जहाँ से उठा के हॉस्पिटल लिया। ना तेरा अख्तर पीछे पीछे अख्तर जी कितों हो रहा है? बहुत बढ़िया से वो शख्स ने बाइक गिरी थी। मसला ये है कि रोड की हालत ख़राब है, और इस सिलसिले में ऑलरेडी एक अभी 3 दिन पहले ही डीसी मैडम ने एक मीटिंग ली थी जिसमें ग्रैफ के सारा अमला वहाँ पे मौजूद था। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज ये एक इंसिडेंट हो गया जो बड़ा ही दुख की बात है। उसके सिलसिले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं, वो DSP साहब ने अभी आपको कहा। और DC मैडम की तरफ से, DC मैडम ने जो OC हैं इनके जो इस रोड पर पूरा काम देख रहे हैं, और उनके नीचे जो अमला है उनसे भी बात की है, और उनकी एश्योरेंस पे DC मैडम के कहने पे मैं अर्ज दी है कि 15 दिन के अंदर अंदर फुल फ्लैश काम शुरू हो जाएगा, जो इनकी डिमांड भी थी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी उस पर लगी हुई है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उससे पहले ही हो जाए, 15 दिन एक मैक्सिमम लिमिट है, क्योंकि चीज़ें अरेंज करने में उनका अपना जो टेक्निकल प्रोसीजर है उसको करने में कुछ टाइम लग सकता है। DSP साहब, SHO साहब और हमारे तहसीलदार नायब साहब मौके पर थे, उसमें अभी मेडिकल स्टूडेंट साहब से भी बात करेंगे को भी वहाँ जाके, और देखेंगे कि वो प्रॉब्लम क्यों आई है और उसमें कौन जिम्मेवार है, उसके खिलाफ भी एक्शन होता है। सर लोगों की एक डिमांड और है सर, जो विभाग के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए सर। वो ऑलरेडी आपको DSP साहब ने बता दिया कि इस इंसिडेंट में एक उन्होंने अपनी कार्रवाई जो शुरू कर दी है।